हेलो एवरीवन, दिस इज जोगिंदर सिंह। सीबीएसई नाइन्थ क्लास सिविक्स चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। आई विल एक्सप्लेन यू विद माय नोट्स, यू कैन चेक एंड लर्न फ्रॉम इट। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। Democracy is a form of government in which the ruler are elected by the people. Next, feature of democracy. The main features of democracy is, in a democracy, the final decision-making power must rest with those elected by the people. Meaning, democracy mein kya hota hai? जो फाइनल डिसीजन है वो पावर किसके पास रहेगी? वो इलेक्टेड कैंडिडेट के पास रहेगी, इलेक्टेड मेंबर के पास रहेगी, जिसको पीपल्स ने चूज किया है, इलेक्ट किया। ओके, सेकंड क्या है इसमें? हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेसी में एक कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। देखिए, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही होगी जिसमें कुछ ना कुछ रूल एंड रेगुलेशंस की लिमिट होगी, ठीक है, तभी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन पाती है। जब उसमें कुछ लिमिट्स होगी, रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे, वो रिटन में होना चाहिए, और इसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है, जिस जहां जहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहां पर सभी जगह लगभग कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, थर्ड क्या है? होल्ड इलेक्शंस। ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग। डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो सबके पास राइट टू वोट होगा, राइट टू कंटेस्ट द इलेक्शन होगा, और जो अभी करंट में मेंबर है पार्लियामेंट का या असेंबली का, या पीएम है, सीएम है कोई भी, या सरपंच है, वो भी हार सकता है अगर पब्लिक चाहे तो। अगर पब्लिक उसको वोटिंग करेगी तो वो जीत जाएगा, नहीं तो वो भी हार जाएगा। ये आप आपके आसपास हर बार इलेक्शन में देखते हो, कभी कोई कैंडिडेट जीत जाता है, कभी कोई कैंडिडेट हार जाता है, क्योंकि पब्लिक जिसे वोट देती है वही मेजोरिटी में जीतता है। ओके, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी के अंदर। फोर्थ पॉइंट है, इन डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट। एक्चुअली यहां पर कह रहा है राइट टू वोट होना बहुत जरूरी है, तभी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो पाएगी। ओके, एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। यहाँ पर क्या है? एक वोट की एक वैल्यू होगी। ओके, मीनिंग मान लो आपने वोट दिया है तो उसको उसकी काउंटिंग एक बार ही होती है, कि आपका वैल्यू जो है वोट डालने के बाद एक ही गिना जाएगी, आपने वोट डाल दिया। ओके, और ये इक्वल होता है सबका। ओके, मान लो एक वोट मेरा तो एक वैल्यू, एक वोट दूसरे का तो उसकी एक वैल्यू। ओके, तो इक्वली बेस होता है, एक वोट की एक ही वैल्यू मानी जाती है, डबल नहीं मानी जाती। ओके, सेकंड देखते हैं इसमें। फिफ्थ पॉइंट क्या है? हैव पार्टीज एंड दे गारंटी राइट टू सिटीजन्स। देखिए, डेमोक्रेसी में मल्टी पार्टी या फिर टू एंड मोर पार्टीज होना बहुत जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो पार्टीज होंगी और वो पार्टीज क्या गारंटी देंगी? सिटीजन्स को राइट्स की गारंटी देंगी। और आपने इलेक्शन में देखा भी होगा, कैंडिडेट्स अपने पार्टी के बिहाफ पे इलेक्शन लड़ता है और सिटीजन के बीच में आके प्रॉमिस करता है कि अगर हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हम आपको ये राइट्स देंगे, वो राइट्स देंगे, इस तरह से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। सिटीजन्स के बीच में इक्वालिटी को प्रमोट करना, ये भी डेमोक्रेसी का इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, एनहेंस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल।
इंडिविजुअल की डिग्निटी होना बहुत ज़रूरी होता है, और ये भी डेमोक्रेसी में ही प्रमोट होती है कि हर एक सिटीजन की अपनी डिग्निटी है, अपने समाज में सम्मान है, प्रतिष्ठा है, उसका मान सम्मान है। ओके, तो उसको भी प्रमोट कौन करता है? डेमोक्रेसी ही प्रमोट करती है, क्योंकि उसको इक्वल राइट मिले होते हैं, इसलिए उसकी डिग्निटी भी यहाँ पर एनहेंस होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास रहेगी? जो कैंडिडेट पब्लिक ने इलेक्ट किया है उनके पास डिसीजन मेकिंग की पावर होती है। तो क्वालिटी कैसे इम्प्रूव होगी? अगर कैंडिडेट ने अच्छे से डिसीजन नहीं लिया, पब्लिक के फेवर में डिसीजन नहीं लिया, सोशल वेलफेयर के लिए डिसीजन नहीं लिया, तो अगली बार पब्लिक उसको हरा सकती है, पीपल्स उसको हरा देंगे। ओके, इसीलिए क्या है, इम्प्रूव होता है, क्वालिटी इम्प्रूव होती है डिसीजन मेकिंग की यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड ए मेथड टू रिसोल्व कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि सोसाइटी में अलग अलग कम्युनिटी रहती हैं, अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं, अलग अलग रीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, उन सब में यहाँ पर यूनिटी बना के रखना भी डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। इसीलिए उनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट होता है, उसको सोल्व करने का मेथड केवल डेमोक्रेसी में है, क्योंकि सबको इक्वल राइट मिले होते हैं, इसीलिए सभी यहाँ पे लोग खुशी खुशी रहते हैं और यूनिटी में बना के रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल डेमोक्रेसी का होता है। मान लो अगर एक मिस्टेक हो गई, हमने किसी गलत कैंडिडेट को वोट देके उसको जिता दिया, चूज कर लिया, इलेक्ट कर लिया, और बाद में वो कैंडिडेट जीता हुआ सही से काम नहीं कर पाया, या वो अपराध में लिप्त हो गया, या फिर वो जो है अच्छे से काम नहीं कर पाया पब्लिक वेलफेयर के, तो हम अपने मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट इलेक्शन में उसको हरा सकते हैं। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। तो ये हमारे मेन मेन यहाँ पर फीचर्स होंगे डेमोक्रेसी के। मैंने 10 पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं, आपको 5-6 पॉइंट ही क्वेश्चन में आते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 10 बना रखे हैं आपके लिए, नोट्स बना के। ओके, तो नेक्स्ट है यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, इसमें वो क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है अल्टरनेट के मुकाबले में। मान लो और कौन कौन सी गवर्नमेंट होती है जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ना वर्ल्ड के अंदर अलग अलग कंट्रीज में, जैसे डिक्टेटरशिप है, वन पार्टी सिस्टम है, किंग है कहीं पे, ठीक है, तो उनके मुकाबले में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत ही बेटर होती है। इसके पीछे क्या रीजन है वो यहाँ पे दे रखे हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है देख लेते हैं एक बार, क्यों डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फर्स्ट पॉइंट ये है इसका रीजन, रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजन। देखिए, रूलर को इलेक्ट किया गया है पीपल के द्वारा, पब्लिक के द्वारा। ओके, तो अगर पब्लिक इलेक्ट करेगी अपने किसी रूलर को, तो वो क्या करेगा, बेटर डिसीजन लेगा पब्लिक वेलफेयर के लिए, और मेजर डिसीजन पावर उसके पास ही रहेगी, यानी पब्लिक के पास ही रहेगी। अगर पब्लिक के लिए काम नहीं करेगा तो पब्लिक उसको नेक्स्ट टाइम हरा सकती है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, रीजन क्या है, इलेक्शन ऑफर ए चॉइस। इलेक्शन सबको एक चॉइस ऑफर करवाता है। मान लो किसी कैंडिडेट किसी इलेक्शन में 4 कैंडिडेट खड़े हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक के पास चॉइस है वो किसको इलेक्ट करना चाहती है, किसको वोट देना चाहती है। ठीक है, तो राइट टू वोट हमारे पास है और वो एक चॉइस देती है हमें। इलेक्शन हमें क्या ऑफर करता है, चॉइस ऑफर करता है कि हम किसी को भी चूज करें उन चारों में से जो वहां पे कंटेस्ट कर रहे हैं। ओके, एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर। क्या मिलती है पब्लिक को, एक मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, किस चीज की, जो हमारा करंट रूलर है किंग है, या फिर जो हमारा अभी एमपी है, एमएलए है, सरपंच है,
अगर वो सही काम नहीं कर रहा, उसको हम चेंज करना चाहते हैं, तो पब्लिक के पास अपॉर्चुनिटी है इलेक्शन के थ्रू, उसके पास चॉइस है, वो किसी और को भी यहाँ पे जिता सकता है और करंट वाले को हरा सकता है। ठीक है, ये क्या है, चॉइस मिलती है इलेक्शन के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो चॉइस और अपॉर्चुनिटी मिलती है वो सबको मिलती है, ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस, इक्वालिटी के बेस पे, क्योंकि राइट टू वोट सबके पास है और उसी राइट टू वोट के अकॉर्डिंग पब्लिक वोट करती है, और मौका मिलता है तो सबको इक्वल बेस पर ही मिलता है, किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। ओके, एंड द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट। जो ये चॉइस है ये क्या करती है, ये सिटीजन राइट्स पर डिपेंड करती है, और जो रूल हमारे बेसिक रूल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग ही एक गवर्नमेंट फॉर्म करती है। ओके, नेक्स्ट क्या है इसमें, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, बेटर गवर्नमेंट क्यों है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि यह पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए, पीपल्स के लिए अकाउंटेबल है, जिम्मेदार है, उसके लिए काम करती है। ओके, इसीलिए ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर यहाँ डेमोक्रेसी ना हो, कोई डिक्टेटर हो या फिर कोई किंग हो, तो वो पब्लिक के लिए अकाउंटेबल नहीं होता, उसने जो कह दिया वही उसका रूल होता है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए मेथड टू डील विद डिफरेंट डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये मैंने पहले भी आपको मेंशन कर दिया, एक्सप्लेन किया है। इसमें क्या है, अलग अलग कम्युनिटी के लोग अगर डिस्प्यूट हो जाए तो डेमोक्रेसी ही एक मेथड प्रोवाइड कराती है उन सबको डील करने के लिए, यानी सबको इक्वल राइट देगी, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, डिस्प्यूट नहीं होगा, डिफरेंसेस नहीं होंगे, और ये एक मेथड है डेमोक्रेसी में कि सबको इक्वल राइट दे दो, पावर शेयरिंग कर दो, तो कोई भी झगड़ा नहीं करेगा, डिस्प्यूट नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक ए कलेक्टिव डिसीजन। देखिए, डेमोक्रेसी में क्या होता है, बहुत सारे लोग डेमोक्रेसी में हिस्सा लेते हैं, राइट टू वोट होता है उनके पास, लेकिन अगर फिजिकली ये कहा जाए कि सभी लोग आओ मिलकर बैठ के चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, तब कोई डिसीजन लेंगे इकट्ठे होके, ऐसा पॉसिबल नहीं है आज के मॉडर्न टाइम में। क्यों, क्योंकि मॉडर्न टाइम में, आज के टाइम में पब्लिक के पास ना इतना टाइम है, ना डिजायर है उनकी, ना ऐसी कोई इच्छा है, ना ही इनके पास स्किल है ऐसी कि वो लोग इकट्ठा होकर एक डिसीजन ले सकें, इसीलिए राइट टू वोट के थ्रू ही वो अपने किसी रिप्रेजेंट को चूज कर लेते हैं, इलेक्ट कर लेते हैं, और वो जाके पार्लियामेंट में, असेंबली में पब्लिक के लिए काम करता है। ओके, इस पॉइंट का ये मीनिंग है। नेक्स्ट पॉइंट भी जुड़ा हुआ है इसी से है, वो क्या है, इवन इफ दे कुड, अगर ऐसा कर सकते हैं, दैट सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, क्योंकि सिटीजन के पास टाइम नहीं है, डिजायर नहीं है, इच्छा नहीं है, और ना ही ऐसी स्किल है कि वो ऐसी मीटिंग कर सके और डिसीजन ले सके, इसीलिए वो क्या करते हैं, राइट टू वोट के थ्रू अपने रिप्रेजेंट का चूज कर लेते हैं। ओके, और वो जाके पब्लिक के बेस पर भी यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग करता है, गवर्नमेंट फॉर्म करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पॉइंट है, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ऊपर हमने पढ़े हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, या फिर बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, यानी कि हमने मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ पे ऊपर पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। और नेक्स्ट क्या है, अगेंस्ट डेमोक्रेसी यानी डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, क्या क्या इसकी बुराई भी है, देखो हर चीज़ की अच्छाई और बुराई होती है, तो डेमोक्रेसी में भी कुछ वीक पॉइंट है, वो कौन कौन से हैं डीमेरिट्स, वो देख लेते हैं। फर्स्ट है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी। अभी हमने देखा था ऊपर कि अगर कोई कैंडिडेट हार जाता है तो दूसरा जीत जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लगातार चेंजेस होते रहते हैं,
किसके अंदर? लीडर्स के अंदर। पब्लिक कभी किसी को हरा देती है और जिता देती है, इसलिए लीडर कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी। इट लीड्स इंस्टेबिलिटी। इससे क्या होगा? अगर लीडर्स हारते रहेंगे, पार्टी हारती रहेगी, तो इससे इंस्टेबिलिटी बनी रहती है कि अभी तो इलेक्शन हुआ था, दोबारा से फिर इलेक्शन हो गया, ठीक है, या फिर पहले कौन सी पार्टी थी, अभी कौन सी पार्टी आ गई, गवर्नमेंट के अंदर फॉर्म कर रही है, ठीक है ना। तो पॉलिसी पे भी इफेक्ट पड़ता है और स्टेबिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है, बार बार हारने से, इलेक्शन होने से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है डिमेरिट्स में? डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। देखिए, आजकल इलेक्शन में ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है पॉलिटिकली पार्टीज के अंदर, और सभी अपने अपने पावर को लेने के लिए, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, और बहुत सारा पैसा भी खर्च करते हैं। तो ये पावर प्ले का गेम हो गया है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, ठीक है। देर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। तो इसमें क्या है, जब करप्शन फैलेगा, पावर प्ले यूज करेंगे, मसल पावर यूज करेंगे पार्टी के लोग अपनी जीत पक्की करने के लिए, तो यहाँ पर क्या है, मोरालिटी का ह्रास होगा, खत्म होगा यहाँ पर, ठीक है, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर नो स्कोप फॉर मोरालिटी, पॉलिटिकल पार्टी में मोरालिटी बहुत ही कम हो गई है आजकल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन ए डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज। देखिए, डेमोक्रेसी में क्या होता है, सबकी सलाह पर ही काम होता है, अलग अलग डिसीजन लेने के लिए अलग अलग पब्लिक के साथ या लीडर्स के साथ या पार्टी के बेस पर या मिनिस्टर के साथ डिसीजन किया जाता है, कंसल्ट किया जाता है, और तब जाके डिसीजन लिया जाता है लास्ट लास्ट में। इसलिए जो डिसीजन है वो लेट हो जाता है, डिले हो जाता है, क्योंकि बार बार हर बंदे से कंसल्ट करना पड़ता है, पूछना पड़ता है, उसकी मर्जी पूछनी पड़ती है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, इलेक्टेड लीडर डोंट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जो इलेक्टेड लीडर हैं, कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जो पब्लिक के बीच में होते हैं, उनको पता होता है कि क्या क्या पब्लिक के इंटरेस्ट है, लेकिन बहुत सारे लीडर ऐसे भी होते हैं जो पार्टी ने कंटेस्ट करा दिया, उनको इलेक्शन में खड़ा करा दिया, फॉर्म भर दिया, जीत गए वो लोग, पब्लिक ने वोट भी कर दिया, लेकिन वो कई बार बाहर के होते हैं या फिर पब्लिक के बीच के नहीं होते, उसको पब्लिक के इंटरेस्ट के बारे में पता नहीं होता कि पब्लिक की डिमांड्स क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। जब लीडर्स को पता नहीं होगा पब्लिक की क्या डिमांड्स है, क्या प्रॉब्लम है, तो वो उनके बिहाफ पे कैसे कोई डिसीजन ले सकता है, नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो पब्लिक भी खुश नहीं होगी, इट लीड्स टू बैड डिसीजन, इसीलिए वहां पर अच्छे डिसीजन नहीं ले पाता वो। ओके, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, ये पॉइंट भी हम आ चुका है पहले ही, फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, क्योंकि इलेक्शन कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए डेमोक्रेसी में करप्शन भी बढ़ गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, देखिए, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे कुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। जो आम पब्लिक है, ऑर्डिनरी पीपल है, वो नहीं जानते उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ठीक है। वो हर डिसीजन को या ऐसी किसी भी बात के ऊपर डिसीजन नहीं ले सकते, नहीं ले पाते, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें डेमोक्रेसी का वीक पॉइंट ये भी है कि पब्लिक वोटिंग करते हुए कई बार गुमराह हो जाती है, कई बार लालच में आ जाती है, कई बार डर के वोट करती है। तो वोटिंग की जो पावर उसके पास है, राइट टू वोट है, वो उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाती, यूज नहीं कर पाती, ठीक है, कई बार मिस यूज होता था उस चीज का। तो यहाँ पर ये है कि वो सही से डिसीजन नहीं ले पाती, कई बार गलत भी कैंडिडेट जीत जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑफन इग्नोर द डिमांड्स ऑफ मेजोरिटी, ये भी इसका वीक पॉइंट है। यहाँ पे डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो मेजोरिटी के पीपल्स हैं या जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, उसकी डिमांड्स को लगभग इग्नोर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि माइनॉरिटी पे फोकस ज़्यादा किया जाता है ताकि वो नाराज ना हो, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी की मेरिट्स, डिमेरिट्स, डेफिनेशंस, फीचर्स मैंने यहाँ पे नोट्स बना के आपको
एक्सप्लेन कर दी है, इसको आप ध्यान से कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।